Okay, students. So now let's begin with our story. Once upon a time, the fox thought to plan a tricky meal for the stork. एक बार की बात है, जंगल में लोमड़ी ने सारस के लिए एक स्वादिष्ट भोजन की योजना बनाई। Today. Of course, I will join you for the meal today on time. लोमड़ी ने सारस से कहा, आज आप मेरे साथ मेरे यहाँ भोजन करना। और सारस ने क्या कहा? हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं आज आपके साथ भोजन करूँगा। For dinner, the fox served soup in a very shallow dish, and the stork could only wet the very tip of his beak. He could not even get a single drop of soup, but the fox sipped it up easily and made a great show of enjoyment. Lomdi ne bhojan mein ek gehre bartan mein soup parosa. Saras apni chonch se सूप की एक बूंद भी नहीं पी पाया। इस प्रकार लोमड़ी ने सारस का अपमान किया और भूखा सारस वापस चला गया। देखा लोमड़ी ने कैसे ट्रिक से उसको डिनर के लिए बुलाया और उसको एक शैलो बर्तन में, ऊंडे बर्तन में मील सर्व किया। अब जो सारस है उसकी तो बीक होती है, वो तो जो भी खाता है या पीता है बीक से खाता पीता है। लोमड़ी तो टंग की हेल्प से शैलो बर्तन से सारा सूप चट कर गई और बेचारे सारस को तो सिर्फ एक ड्रॉप भी उसके बीक पे ठीक से नहीं लग पाई। अब क्या होता है? After some days, the stork invited the fox to dine in turn. कुछ दिन बाद सारस ने लोमड़ी को भोजन पर आमंत्रित किया। The stork said, Dear fox, now today you must come and dine with me. Dear Lomdi, अब आज आप मेरे साथ आकर मेरे यहाँ भोजन कीजिए। The fox replied, Of course, I will join you for today's meal. लोमड़ी ने सारस से कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। The stork served the dinner in the tall jar with a very narrow neck. सारस ने लोमड़ी को भोजन में खीर परोसी, परंतु खीर सुराही में परोसी गई। सुराही में खीर देखकर लोमड़ी का मुंह उतर गया, क्योंकि उसके लिए सुराही से खीर खाना असंभव था। The stork could easily get food with his long beak, but the fox could only lick the outside of the jar and just smell the delicious aroma. अपनी लंबी चोंच से सारस झटपट सुराही में रखी खीर पी गया, परंतु लोमड़ी केवल सुराही को बाहर से चाटता रह गया। Seeing the fox losing his temper, the stork said, लोमड़ी को अपना आपा खोते देख सारस बोलता है, Do not take treats on anyone unless you can stand the same treatment yourself. सारस क्या बोलता है? क्या बात है मित्र लोमड़ी, तुम खीर क्यों नहीं खा रही हो? क्या तुम्हें खीर पसंद नहीं आई? जब हम दूसरे के छल को सहने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो हमें दूसरों के साथ छल करना भी नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, देखा यहाँ पर कैसे फॉक्स ने पहले डिनर पर स्टोक को बुलाया और फिर बाद में उसको एक शैलो डिश में सूप सर्व
मिलेगा, और यदि आप उनके साथ बुरा कर रहे हो तो रिटर्न में आपको भी बुरा मिलेगा, ठीक है? डू बैड गेट बैड, डू गुड गेट गुड, बुरा करो बुरा पाओ, अच्छा करो अच्छा पाओ, अच्छा करोगे तो आपको भी अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो आपको भी बुरा मिलेगा। अब आप देख लो आपको क्या करना है, अच्छा चाहिए ना सबको, तो सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए और किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहिए, सबको अपने जैसा ही समझना चाहिए, ऑल आर इक्वल, खुद को सुपीरियर कभी नहीं समझना चाहिए। ओके, आज हमने क्या सीखा, यह सीखा